मैंने 25 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, वो परफॉर्म करके खेले हैं। उम्मीद करूंगा कि जैसे पहले परफॉर्म करके इंटरनेशनल खेला हूँ वैसे ही परफॉर्म करूँ। खेला एक बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी 64 की, एक ही मैच खेला और एक ही मैच में 64 को 5-6 छक्के भी लगा लिए, तो क्या लगता है इस हमले का कैसी परफॉर्मेंस रहेगी और वो जो आसिफ था जो हमने देखा था वर्ल्ड कप 2020 वापस आए? देखिए मेरा काम है पर प्रैक्टिस करना और क्लब क्रिकेट खेली है, अपनी सीनियर डिस्ट्रिक्ट का कैंप लगा था वो किया है अपनी डिस्ट्रिक्ट की टीम के साथ, वो इसलिए किया कि मैं क्रिकेट के साथ अटैच रहूँ, अपनी फिटनेस पे काम कर सकूँ और टुडे मैच भी खेले हमने, प्रैक्टिस अच्छी हुई है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि परफॉर्म अच्छा करेंगे। अच्छा, वो एक मिसिंग आ रही थी तो मिडलमैन में आ रहा था बॉल और जो आसिफ अली जिसकी वजह से जाना जाता है वो चीज़ नहीं आ रही थी, तो वो हो सकता है कि वापसी हो, अब यहाँ पर आप होम बॉय भी हैं, यहाँ पर लोग आपको देखने भी आएंगे, फैसलाबाद की अपनी पहचान भी है। देखिए जो लास्ट 2-3 साल से रोल मुझे दिया गया था वो 10 से 15-20 बोलों का, तो आप किसी टाइम उसमें कामयाब हो जाते हैं छोटे मारते, किसी टाइम आपको नहीं लगती आपकी, लेकिन उस चीज़ को इंशाल्लाह डोमेस्टिक में दूर करूंगा कि लंबी बैटिंग कर सकूं और मैं अपने आप को शो करवा सकूं कि मैं लंबी बैटिंग भी कर सकता हूँ। किस नंबर पर आके लगता है? आप देखें अभी टीम के साथ जो भी हमारा प्लान बनेगा, जो भी कप्तान के साथ मैं डिस्कस करूँगा, जो वैसे जो रोल मुझे देंगे लेकिन मैं अपनी भी राय दूंगा, अगर वो एग्री करते हैं इंशाल्लाह उस पर खेलूंगा। अच्छा, होम ग्राउंड में होम क्राउड के सामने खेलना कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, प्रेशर होगा या फिर ठीक है? देखिए मेरा क्रिकेट का जो डोमेस्टिक का कैरियर वो यहीं से स्टार्ट हुआ, मैंने डेब्यू में फैसलाबाद की तरफ से 100 रन किए थे, मेरी क्रिकेट स्टार्ट हुई थी, मेरे लिए कह लें कि एक बड़ी अहम जगह है और जहाँ से मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ है, और मैं जब भी इस ग्राउंड में जाता हूँ बड़ी इज्जत से बड़े एहतराम से जाना, तो हर ग्राउंड में चाहिए, लेकिन एक ज़िंदगी का आगाज़ मेरा यहाँ से इस कैरियर का शुरू है, तो मेरे लिए एक बहुत ज़रूरी है। एक पाथवे बनाया पीसीबी ने डोमेस्टिक, उसके बाद चेन, उसके बाद कौमी टीम, आप इसको किस तरह से देखते हैं? वैसे तो डोमेस्टिक में तो ऑलरेडी आपके टूर्नामेंट्स भी होते हैं, तो इस कप को आप स्पेशली कैसा देखते हैं? देखिए ये अगर देखा जाए तो ये बड़ा अच्छा इकदाम है, क्योंकि जितने भी यंगस्टर हैं आप ये देखेंगे इंशाल्लाह ये टूर्नामेंट है ना, ये क्वालिटी टूर्नामेंट होगा, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के जितने भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टर प्लेयर खेलेंगे, आपको बॉलर के लिए बैटिंग बैट्समैन अच्छे मिलेंगे, ठीक है, बॉलर्स के लिए बॉलर को बैट्समैन को बॉलिंग करनी, अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी, तो बड़ी अच्छी क्वालिटी क्रिकेट होगी। बड़ा अच्छा है कि जो यंगस्टर आ रहे हैं खेलते एक सिस्टम के थ्रू, वो इस जहाँ परफॉर्म करें और पाकिस्तान के लिए। आसिफ भाई, आप एक सीनियर प्लेयर भी हैं और आपके साथ जूनियर प्लेयर्स भी होंगे, आप किस तरह से उनको जो है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और आप समझते हैं कि आप अपनी गाइडेंस में किसी ऐसा कोई नया आसिफ अली पैदा कर सकेंगे? देखें काफ़ी हैं लड़के और जिनको जो ज़रूरत होती है मैं देखता हूँ कि इनमें यह कमी है, मैं ज़रूर बताता हूँ। ये अभी इरफान नियाजी है फैसलाबाद का, अभी उससे बात होती रहती है क्योंकि सीज़न भी मेरे साथ खेला है, उसके बाद सीज़न के बाद उसने डेब्यू किया, तो और भी काफ़ी हैं जिनसे मतलब जो पूछता है बता भी देते हैं, अगर कोई ना भी पूछे तो फिर भी अगर कोई चीज़ वीक लगे तो उसको बता देते हैं कि यार ये चीज़ होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि आसिफ अली एक नया? देखिए बहुत आएंगे यार, बहुत टैलेंट तो बहुत है, इंशाल्लाह बहुत आएंगे, मेरे से भी अच्छे आएंगे। पाकिस्तान टीम ने कम बैक करने के लिए, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो मिडल ऑर्डर में ना हमारे पास पावर हिटर है और ना मिडल ऑर्डर में इस तरह का बैट्समैन है जो बेस्ट, जिसको हम बेस्ट फिनिशर कह सकें या जिस पे रिलाई कर सकें, तो कितना आपको उम्मीद है कि इस कप से जो है वो आप वापसी कर पाएंगे? देखिए मेरे से अच्छे हैं तो वो खेले हैं लास्ट इवेंट, जो भी ICC का इवेंट हुआ है, जो सीरीज हुई है, अच्छे हैं तो वो लेके गए हैं, बाकी मेरा काम है प्रैक्टिस करना, मेहनत करना, डोमेस्टिक खेलूँगा इंशाल्लाह। जो क्राइटेरिया होता है कि आप टीम से ड्रॉप होते हैं तो आप डोमेस्टिक खेलो, परफॉर्म करो, अगर आपकी जगह बनती है, अगर आपकी ज़रूरत है तो आप ज़रूर कम बैक करेंगे। आप अच्छे पावर हिटर माने जाते हैं और बहुत से लोग आपके स्पिनर ही मानते हैं, तो आप ओडीआई फॉर्मेट में खुद को कैसे देखते हैं? आप अच्छा परफॉर्म करते हैं ओडीआई फॉर्मेट? मैंने 25 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, वो परफॉर्म करके खेले, अगर मुझे बारी करनी आती है वनडे में तो मैं खेला हूँ इंटरनेशनल, तो लेकिन ये है कि काफ़ी अरसे से T20 खेल रहा हूँ, डोमेस्टिक का वनडे वगैरह खेल रहा हूँ, इंशाल्लाह उम्मीद करूँगा कि जैसे पहले परफॉर्म करके इंटरनेशनल खेला हूँ वैसे ही परफॉर्म करूँ। मैच हो रहा है और ये जिली है कि
देखिए जहाँ जहाँ भी पूरे पाकिस्तान में स्टेडियम है वो सारा पीसीबी के अंडर होना चाहिए, क्योंकि मैं इस शहर का हूँ, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हमारे शहर में भी मैचेस होने चाहिए, पीएसएल के भी मैचेस होने चाहिए। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि पीसीबी यहाँ पे टूर्नामेंट लेके आए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि पीएसएल के भी मैचेस होंगे, ताकि मेरे शहर के लोग जो हैं वो भी, जो मतलब दूसरे शहर वाले लोग इंजॉय करते हैं पीएसएल के मैचेस, हमारे लोग भी इंजॉय करें पीएसएल के मैचेस। आप डॉल्फिन में हैं, वुल्फ में क्यों नहीं गए? देखिए ये तो जो तरीकाकार उन्होंने ड्राफ्ट का बनाया उसमें जो चले।